विपक्ष राम मंदिर के वहाँ पर नहीं जा रही है, विपक्ष को जाना चाहिए था। नहीं देखो, राम उनका कहना है कि राम हमारे दिल में बसते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे दिल में है वो, हमें कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है राम मंदिर, राम मंदिर राम उनके दिल में बसते इसीलिए नहीं बनवाया वहाँ पर राम मंदिर के लिए वहाँ पर उन्होंने? नहीं नहीं देखो आप ये बताओ, जो अगर चले जाते तो क्या, नहीं अगर चले जाते तो एंटी हिंदू कहलाते क्या? नहीं नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये दिक्कत क्या आ गई, मतलब जाने में दिक्कत क्या है? वो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं पॉलिटिक्स, आप भी करो ना पॉलिटिक्स, क्या दिक्कत है? चीजों में विश्वास नहीं रखता, उनका कहना है कि दिल में बसते हैं हमारे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये बात कैसे समझाओगे आप? नहीं देखो वो तो लोगों की अपनी, जो लोग सोचते हैं सोचने दो, लोगों से फर्क नहीं पड़ता। वोट तो उन्हें देना है ना, वोट तो उन्हें देना है, वोट देना है ठीक है। हम किसी को मना भी नहीं कर रहे हैं, हम किसी को रोक भी नहीं रहे हैं। अगर विपक्ष जाती तो एक पॉजिटिव जो तो वे में होता, आप जाते कि हाँ भाई हम भी मानते हैं राम को, हमको भी वोट दीजिए, तो एक पॉजिटिव वे होता ना लोगों के अंदर में। अब भाजपा क्या कह रही है कि ये तो हिंदू विरोधी है, देखो जो प्राण प्रतिष्ठा है उनमें प्राण प्राण आ जाएंगे क्या राम में? शास्त्र विधि के अनुसार नहीं हो रही है इसलिए नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, शास्त्रों के अधीन जो अभी जो हो रहा है कार्यक्रम, वो प्राण प्रतिष्ठा के मतलब क्या है, उसमें आत्मा ही लेकर आई जा रही उनकी। हाँ कहाँ से लेके आएंगे, अमेरिका से लेके आएंगे? फिर आपको मालूम नहीं, फिर आपको इसका नहीं नॉलेज नहीं, आपको नॉलेज नहीं है इस चीज की। सोनिया गांधी बस प्रश्न नहीं है, सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने मना क्यों किया कि हम नहीं आ रहे वहाँ पर? वो इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं इन चीजों में, उनको ये दिलों में बसते हैं, हमें कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी में जाने की जरूरत नहीं है। एक और बात, दो मिनट, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं हो रही है इसलिए कांग्रेस ने मना किया है। शंकराचार्य भी तो नहीं जा रहे हैं, शंकराचार्य ने इसलिए तो मना किया है कि भाई वो जो शास्त्र विधि के अनुसार जब तक मंदिर पूरा नहीं बन जाए उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। क्या कहेंगे सर? इसका मतलब प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, नहीं होनी चाहिए, आपकी समझ अलग है। देखो उन्होंने क्या, ये जितने भी कांग्रेसी है ना सब, ये देखो जो शंकराचार्य जी भी नहीं जा रहे हैं ठीक है, उन्होंने ये सिर्फ इलेक्शन का एक एजेंडा है, उनको इलेक्शन वोट पाने के लिए एजेंडा है मोदी जी का, वो चाहते हैं कि उनको वो सिर्फ एक अच्छा, अभी जो न्यूज चल कर आ रही है कि कांग्रेस के कुछ नेता जो है तो रिजाइन कर रहे हैं इसके ऊपर, महाराष्ट्र से एक नेता है जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि आप राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं जा रहे हैं इसको लेकर? ये सिर्फ एक चुनाव प्रचार का हिस्सा है, ये ड्रामा है। चुनाव प्रचार का तो हिस्सा सबको मालूम है कि पॉलिटिक्स हो रही है, आप भैया दो मिनट जाओ, पॉलिटिक्स हो रही है आपको भी मालूम है हमें भी मालूम है, पर अब मुद्दा ये हो रहा है कि कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया कि जा ही नहीं रही है, भाजपा इसका फायदा उठा रही है, भाजपा ने कहा कि भैया ये तो कांग्रेस हिंदू विरोधी है। नहीं ऐसा ये कुछ नहीं है, जो लोग सिर्फ एक ही पोस्टर आया है, ये सिर्फ एक इलेक्शन में वोट पाने के लिए मोदी जी का एजेंडा है, उन्होंने गेम बना रखी है, पॉलिटिकल गेम, सहारा लेके धर्म का सहारा लेके गलत काम करते हैं। इसका देख रहे हो आप, गेम है क्या? देखो उनको पता है कि कोई ना कोई अनर्थ हो सकता है, आगे कोई ना कोई हानि हो सकती है। आप ये जो वाराणसी का जो BHU कॉलेज है, बनारस हिंदू इंस्टीट्यूट, उसके अंदर जो IT सेल के जो तीन कलाकार रैप में पकड़े गए, रैप कांड में, उन्होंने ये फोटो लगा के कॉलेज में लगाया, ये फोटो बना करके, तो आप क्या साबित करना चाहते हो? आप युवा नहीं, तो ये जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है ना चंपत राय जी, राम मंदिर उसके अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी विष्णु के अवतार है, यानी कि मोदी जी जब दिल्ली से अयोध्या जाएंगे तो एरोप्लेन में नहीं जाएंगे, गरुड़ पे बैठ के आसमान में विचरण करते हुए जाएंगे, पूरा पब्लिक देखेंगे क्योंकि वो विष्णु के अवतार। आपको चार लोग को हंसाना है ना तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, चार लोगों कुछ ऐसा वर्ड बोल लेंगे तो सब लोग हंस लेंगे, लेकिन रियलिटी जो है ना यही यूज कर रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं चार पाँच लोग हंस ले मैं जीत जाऊँ, जो यहाँ पर सारी बातें हो रही है ये सोच ले। हम लोग का मुद्दा ये था कि